नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलती है। डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस हर बुधवार और रविवार को डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलती है और हर बुधवार और शनिवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से डिब्रूगढ़ स्टेशन तक चलती है। डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक 15,946 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से डिब्रूगढ़ स्टेशन तक 15,945 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिब्रूगढ़ स्टेशन से सुबह के 5:25 में प्रस्थान होती है और 7:25 पर तीसरे दिन की शाम 5:50 में मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचती है। डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 55 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,127 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 52 किलोमीटर पर आवर है। LSB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो डिब्रूगढ़ स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर न्यू तिनसुकिया जंक्शन होते हुए मोरियनी जंक्शन में पहुंचती है, फिर फोरकाटिंग जंक्शन, दिमापुर स्टेशन, टिफू स्टेशन, लामडिंग जंक्शन होते हुए गुवाहाटी स्टेशन में पहुंचती है, फिर रोंगिया जंक्शन, न्यू बंगाईगंज जंक्शन, न्यू कोचबिहार स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, किशनगंज स्टेशन होते हुए कटिहार जंक्शन में पहुंचती है, फिर मानसी जंक्शन, मोकामा स्टेशन, पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, दिलदारनगर जंक्शन, मिर्जापुर स्टेशन, प्रयागराज सेवकी जंक्शन, कटनी जंक्शन, जबलपुर स्टेशन, खंडवा जंक्शन, भुसावल जंक्शन, नासिक रोड स्टेशन, कल्याण जंक्शन, थाने जंक्शन होते हुए 7:25 बाद तीसरे दिन के शाम 5:50 मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, जो यात्रियों को आसानी से भोजन करने की विकल्प प्रदान करती है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन में 2nd AC, 3rd AC, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक AC 2 टायर का किराया है 3,690 रुपया। डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक AC 3 टायर का किराया है 2,505 रुपया। डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक स्लीपर क्लास का किराया है 965 रुपया। और डिब्रूगढ़ स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जनरल कोच का किराया है 525 रुपया। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते और आगे की बात करते हैं। डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। डिब्रूगढ़ स्टेशन को DBRG सुबह के 5:25 में डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए प्रारंभ होते हैं। न्यू तिनसुकिया जंक्शन स्टेशन को NTSK सुबह के 6:13 में पहुंचती है और 6:23 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। सिमलुगुड़ी जंक्शन स्टेशन को SLGR सुबह के 8:05 में पहुंचती है और 8:07 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। मोरियनी जंक्शन स्टेशन को MXN सुबह के 9:05 में पहुंचती है और 9:10 में स्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। फोरकाटिंग जंक्शन स्टेशन को
एफकेजी सुबह के 10:15 में पहुँचती है और 10:17 में प्रस्थान करती है रोमनी का स्टॉपेज है। दीमापुर स्टेशन स्टेशन को डीएमपी सुबह के 11:28 में पहुँचती है और 11:33 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। डिफू स्टेशन स्टेशन को डीपीयू दोपहर के 12:25 में पहुँचती है और 12:27 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। लामडिंग जंक्शन स्टेशन को एलएमजी दोपहर के 1:10 में पहुँचती है और 1:15 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। हुजाई स्टेशन स्टेशन को एजेआई दोपहर के 1:55 में पहुँचती है और 1:57 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। गुवाहाटी स्टेशन स्टेशन को GHY शाम के 4:30 में पहुँचती है और 4:45 में प्रस्थान करती है 15 का स्टॉपेज है। कामाख्या जंक्शन स्टेशन को KYQ शाम के 5:10 में पहुँचती है और 5:15 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। रोमिया जंक्शन स्टेशन को RNY शाम के 6:15 में पहुँचती है और 6:20 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। बोरपेटा रोड स्टेशन स्टेशन को BPRD शाम के 7:18 में पहुँचती है और 7:23 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन स्टेशन को NBQ शाम के 8:30 में पहुँचती है और 8:40 में प्रस्थान करती है 10 का स्टॉपेज है। कुकराघाट स्टेशन स्टेशन को KUZ शाम के 9:10 में पहुँचती है और 9:12 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन स्टेशन को NOQ शाम के 10:08 में पहुँचती है और 10:13 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। न्यू कूचबिहार स्टेशन स्टेशन को NCB शाम के 10:30 में पहुँचती है और 10:35 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। धूपगुड़ी स्टेशन स्टेशन को DQZ शाम के 11:28 में पहुँचती है और 11:33 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन को NJP रात के 1:25 में पहुँचती है और 1:35 में प्रस्थान करती है 10 का स्टॉपेज है। किशनगंज स्टेशन स्टेशन को KNE रात के 2:40 में पहुँचती है और 2:45 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। बरसोई जंक्शन स्टेशन को BUE रात के 3:30 में पहुँचती है और 3:32 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। कटिहार जंक्शन स्टेशन को KIR सुबह के 5:45 में पहुँचती है और 5:55 में प्रस्थान करती है 10 का स्टॉपेज है। नौगोसिया स्टेशन स्टेशन को NNA सुबह के 6:39 में पहुँचती है और 6:41 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। थाना बीपुर स्टेशन स्टेशन को THB सुबह के 6:54 में पहुँचती है और 6:56 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। मानसी जंक्शन स्टेशन को MNE सुबह के 7:51 में पहुँचती है और 7:51 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। खगड़िया जंक्शन स्टेशन को KGZ सुबह के 8:03 में पहुँचती है और 8:05 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। बेगूसराय स्टेशन स्टेशन को BGS सुबह के 8:32 में पहुँचती है और 8:36 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। न्यू बरौनी जंक्शन स्टेशन को NBJU सुबह के 9:25 में पहुँचती है और 9:30 में प्रस्थान करती है 5 का स्टॉपेज है। मोकामा स्टेशन स्टेशन को MKA सुबह के 10:39 में पहुँचती है और 10:41 में प्रस्थान करती है 2 का स्टॉपेज है। ब्राह
स्टेशन स्टेशन रूट BAREH सुबह के 11:01 में पहुंचती है और 11:03 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बख्तियारपुर जंक्शन स्टेशन रूट BKP सुबह के 11:21 में पहुंचती है और 11:23 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। पटना साहिब स्टेशन स्टेशन रूट PNC दोपहर के 12:37 में पहुंचती है और 12:40 में प्रस्थान करती है 4 मिनट का स्टॉपेज है। पटना जंक्शन स्टेशन रूट PNBE दोपहर के 1:25 में पहुंचती है और 1:35 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। दानापुर स्टेशन स्टेशन को DNR दोपहर के 1:48 में पहुंचती है और 1:54 में प्रस्थान करती है 6 मिनट का स्टॉपेज है। आरा जंक्शन स्टेशन को ARA दोपहर के 2:25 में पहुंचती है और 2:30 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। डुमरावन स्टेशन स्टेशन को DURE दोपहर के 3:18 में पहुंचती है और 3:20 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बक्सर स्टेशन स्टेशन को BXR दोपहर के 3:38 में पहुंचती है और 3:42 में प्रस्थान करती है 4 मिनट का स्टॉपेज है। दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन को DLN शाम के 4:05 में पहुंचती है और 4:07 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। पंडित टीडी उपाध्याय जंक्शन स्टेशन को DDU शाम के 5:35 में पहुंचती है और 5:45 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। मिर्जापुर स्टेशन स्टेशन को MZP शाम के 6:50 में पहुंचती है और 6:55 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। प्रयागराज सेवकी जंक्शन स्टेशन को PCOI शाम के 8:00 पहुंचती है और 8:05 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। सतना जंक्शन स्टेशन को STA शाम के 10:55 में पहुंचती है और 11:00 प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। कटनी जंक्शन स्टेशन को KTE रात के 12:15 में पहुंचती है और 12:20 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। जबलपुर स्टेशन स्टेशन को JBP रात के 1:35 में पहुंचती है और 1:45 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। पिपुरिया स्टेशन स्टेशन को PPI सुबह के 3:43 में पहुंचती है और 3:45 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। इटारसी जंक्शन स्टेशन रूट ET सुबह के 5:10 में पहुंचती है और 5:20 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। हरदा स्टेशन स्टेशन रूट HT सुबह के 6:12 में पहुंचती है और 6:16 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। खंडवा जंक्शन स्टेशन रूट KNW सुबह के 7:58 में पहुंचती है और 8:00 प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बुरहानपुर स्टेशन स्टेशन रूट BAU सुबह के 8:58 में पहुंचती है और 9:00 प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। भुसावल जंक्शन स्टेशन रूट BSL सुबह के 9:55 में पहुंचती है और 10:00 प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। मनमाट जंक्शन स्टेशन रूट MMR दोपहर के 12:37 में पहुंचती है और 12:40 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। नासिक रूट स्टेशन स्टेशन रूट NK दोपहर के 1:40 में पहुंचती है और 1:45 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। कल्याण जंक्शन स्टेशन रूट KYN शाम के 7:27 में पहुंचती है और 7:30 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। ठाणे स्टेशन स्टेशन को TNA शाम के 5:07 में पहुंचती है और 5:10 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस
स्टेशन को LTT शाम के 5:50 को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचती है। दोस्तों इसका साथ ही डिब्रूगढ़ मुंबई LTT एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।